सुप्रभात बच्चों, मैं सुमन श्रीवास्तव अभिज्ञान अकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक हिंदी पाठ तीन गाली का उत्तर। अब देखिए इसमें क्या है। स्वामी दयानंद वर्तमान युग के महापुरुष हैं, उन्होंने देश और धर्म की बहुत सेवा की। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश और धर्म की बहुत सेवा की। जब स्वामी दयानंद का सम्मान बहुत बढ़ गया तब कुछ लोग उनसे बहुत चिढ़ने लगे। एक दिन स्वामी जी गंगा में स्नान करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि सामने से एक आदमी आ रहा था। वह स्वामी जी को गालियाँ देने लगा। स्वामी जी चुप रहे। स्वामी जी को चुप देखकर वह आदमी और गालियाँ देने लगा। तब पास खड़े एक नवयुवक से नहीं रहा गया। उसने क्या किया, वह स्वामी जी के सामने आया और हाथ जोड़कर कहने लगा। क्या कहा, देखिए स्वामी जी, आपका शरीर इतना हष्ट पुष्ट है, यदि आप इस आदमी को एक झापड़ दें तो यह सीढ़ियों पर लुढ़कने लगे, फिर भी आप इनकी गालियाँ क्यों सुन रहे हैं। तब स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, भोले नवयुवक, मैंने उसकी एक भी गाली नहीं सुनी है। जब कोई मनुष्य हमें कोई चीज़ देने का प्रयत्न करे और हम उसे न लें तो क्या होगा। यह सुनकर नवयुवक सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा कि स्वामी जी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। नवयुवक ने उत्तर दिया, वह चीज़ देने वाले के पास ही रह जाएगी। स्वामी जी बोले, बस ठीक उसी तरह, इसने हमें गालियाँ दी पर हमने एक भी नहीं ली, वे सब इसी के पास रह गई। यह सुनकर नवयुवक ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और बोला, स्वामी जी आप महान हैं, जो बुरा चाहने वाले की बुराई तक नहीं करते।